اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد इंशाअल्लाह ताला आज इस हदीस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हदीस एक ऐसी हदीस है कि हर मुसलमान को अपने पल्लू से बांध के रखनी चाहिए। इस हदीस को इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में और इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम शरीफ में नकल किया है। ये इतनी इम्पोर्टेंट हदीस है, इतनी ज़रूरी हदीस है और फिर साथ ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, यानी शेखैन यानी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने इस हदीस को अपनी अपनी किताबों में जमा किया है। ये हदीस है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वालि वसल्लम एक मुसलमान से कह रहे हैं कि तुम नफ़रत व अदावत व बुग़्ज़ व हसद और बदगुमानी जैसी बीमारियों से बचो, और न ये सिर्फ़ कि दूसरे मुसलमानों के बारे में इन चीज़ों से बचो बल्कि तमाम इंसानों के बारे में इस चीज़ों से बचो, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुसलमान को यूँ देखना चाहते थे कि वो दूसरे मुसलमानों के साथ भी बेहतरीन हो और दूसरे इंसानों के साथ भी बेहतरीन हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे, सिर्फ रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं थे। तो चूँकि रहमतुल लिल आलमीन थे इसलिए आपका पैगाम भी इंसानियत के लिए था। आप यूनिवर्सल मैसेंजर थे, आपका पैगाम भी यूनिवर्सल था। अब इस हदीस की तरफ गौर करते हैं जिसको हज़रत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं। अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम वज़्ज़न्न फ़इन्न ज़्ज़न्न अकज़बुल हदीस। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम दूसरों के मुताल्लिक़ बदगुमानी से बचो। अब ये नहीं कहा कि दूसरे मुसलमानों के, कहा दूसरों के, यानी कि हर किस्म का आदमी, चाहे वो किसी कौम व मजहब का हो, चाहे बेदीन हो, चाहे लादीन हो, चाहे मुसलमान हो चाहे ना हो, कोई भी हो, तुम किसी के मुताल्लिक़ बदगुमानी से बचो। क्यों? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है। यानी उमूमन क्या होता है कि लोग झूठ को बुरा समझते हैं, लेकिन किसी के बारे में बुरे ख्यालात का दिल में आना और किसी के मुताल्लिक़ बग़ैर किसी वजह के कोई बुरी राय कायम करना, इससे गुरेज़ नहीं करते। और हर चीज़ बड़ी स्टीरियोटाइप तौर के ऊपर एक दूसरे को लेते हैं कि अरे ये तो भाई ऐसे हैं, अच्छा ये तो जी फ़लाँ इलाके के लोग हैं तो फ़लाँ इलाके के लोग तो भाई होते ही ऐसे हैं, अच्छा वो तो काला आदमी है यार। तो इस तरह लोगों के रंग पे, लोगों की नस्ल पे, लोगों के इलाक़ों पे, लोगों के दीनियत पे, लादीनियत पे, किसी और गिरोह से होने पे, पता नहीं क्या क्या फसादात हैं जिसके बिना पे लोग एक दूसरे से बदगुमानी रखते हैं। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदगुमानी से बचो क्योंकि बदगुमानी भी एक झूठ है, क्योंकि इसकी कोई असल नहीं है। ये तो तुम्हारे दिल में पलने वाला एक वसवसा है और उस वसवसे पे तुम यकीन कर रहे हो, ये तुम्हारी भूल है और तुम अपने तय समझ रहे हो कि तुमने बड़ा अक्लमंदाना फ़ैसला किया है, तुम तो एक झूठ के पीछे भाग रहे हो। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको झूठ करार दिया, कि अकज़बुल हदीस करार दिया। फिर अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया, वला तहस्ससू, कि तुम किसी की कमज़ोरियों की टोह में ना रहा करो कि बस किसी तरह किसी का कोई वीक पॉइंट मिल जाए फिर उस पर मैं उसको जो है कैश करूं, उसको ब्लैकमेल करूं, उसका मजाक उड़ाऊं। किसी की कमज़ोरियों को ना तलाश करते फिरा करो। दुनिया में कौन है जो मुकम्मल है? हर एक में कुछ ना कुछ कमियां हैं। फिर अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया, वला तजस्ससू, और एक दूसरे की जासूसियाँ ना किया करो कि किसी न किसी तरह एक दूसरे के तुम ऐब तलाश करते फिरो, बिल्कुल नहीं करो, ये हरगिज़ ना करो। यानी देखें, ये वो तमाम सोशल बीमारियां हैं जो हमारे पास बहुत पाई जाती हैं, ख़ास तौर पे घर में रहने वालों में तो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहा है तो एक दूसरे की टों में है, वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, और कुरेद कुरेद के बातें पता करना किसी के बारे में, फिर उसकी तशहीर करना, उसको जलील करना, उसमें तोहमात, उसमें जो है अबहाम व वहम शामिल कर देना और उसमें किसी की बुराई शामिल कर देना और इसके अंदर अपनी बदगुमानियाँ शामिल कर देना, यानी एक गंद मचा के रखते हैं माशरे में कि हर एक का दिल दूसरे से बस बदजन करके रखो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि आपस में मोहब्बत करो, ना कि आपस में एक दूसरे की टो में पड़े रहो कि एक दूसरे से तुम नफ़रत करो। तो इसलिए हज़रत ने फरमाया कि वला तजस्ससू, एक दूसरे की जुस्तजू में ना रहो, वला तनाजशू, और एक दूसरे पर बढ़ने की बेजा हवस ना करो। एक दूसरे से आगे बढ़ना अच्छी बात है, कंपटीशन अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों को ना इसका बेजा हवस हो जाता है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो बाय हुक या बाय क्रुक किसी भी तरीक़े से वो एक दूसरे को नीचे दिखाना, एक दूसरे से आगे बढ़ना, चाहे उसके अंदर कोई तरीक़ा इख्तियार किया जाए, इससे मना किया गया है। कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए और स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करना चाहिए, ना इसके कि तुम दूसरे को गिरा कर या नुकसान पहुँचा कर आगे बढ़ो। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया वला तहासदू, और आपस में एक दूसरे से हसद भी ना करो, वला तबागदू, और एक दूसरे से बुग़्ज़ व कीना भी ना रखो, वला तदाबरू, और एक दूसरे से मुँह भी ना फेरो, वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, और ए अल्लाह के बंदों अल्लाह के हुक्म के मुताबिक भाई भाई बनकर रहो। यानी मुसलमानों तुम तो आपस में, तुम्हें अल्लाह ने भाई बनाया है, तुम्हारे अंदर ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं कि एक भाई भाई से बुग़्ज़ रखे, एक भाई भाई से इनाद रखे, हसद रखे, कीना रखे, एक दूसरे की ऐब तलाश करे, एक दूसरे की कमज़ोरियाँ तलाश करे, एक दूसरे से बदगुमानी करे, ये कैसा भाई हो सकता है। फिर एक आम अवाम उन्नास को भी ये आपने मैसेज दिया कि देखो ऐसा ना करो, इससे तुम एक गलत किस्म का माशरा जो है रद्द अमल में लाओगे। आपस में जो तुम्हारे ताल्लुक़ात हैं उनको इस्तवार रखो ऑन गुड डीड्स, क्योंकि देखो जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो तुमने अपने अमल का अपने रब को हिसाब देना है, दूसरे बंदे ने अपने अमल का अपने रब को हिसाब देना है। वो जो लोग तुमसे पहले गुजर गए तुमने उनका हिसाब नहीं देना, तो तुम उनकी बुराइयां करके क्यों अपना वक्त ख़राब करते हो। अच्छा वो जो तुम बुराई कर रहे हो तो चलो उनमें अगर बुराई थी तो वो भी तुम उनकी गीबत कर रहे हो, या एक आदमी मर गया तुम उसकी बुराई कर रहे हो, वो भी मना किया गया है, या और अगर उनमें नहीं थी तो तुमने तोहमत बांधी, वो तो और भी बड़ा गुनाह है। तो इसलिए अपनी फ़िक्र करो, दूसरे की फ़िक्र में, दूसरे की टों में, दूसरे की जुस्तजू में ना पड़े रहो, ताकि एक अच्छा माशरा वजूद में आए, एक भाईचारगी का माशरा वजूद में आए। तो अल्लाह हम सबको तौफीक़ अता फ़रमाए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल करें और अपनी ज़िंदगियों को अच्छा बनाएं, अपने दिलों को साफ़ रखें, अपने दिलों को पाक रखें, क्योंकि जब दिल साफ़ होते हैं, जब दिल पाक होते हैं तो टेंशन कम, स्ट्रेस कम, अल्लाह की याद में ज़्यादा दिल लगता है, एक दूसरे की फ़िक्र कम बुरे तरीक़ों से और एक दूसरे की फ़िक्र ज़्यादा अच्छे तरीक़ों में, एक दूसरे का ख्याल बढ़ता है। जब मोहब्बत होती है तो ख्याल बढ़ता है, जब हसद होता है, बुग़्ज़ होता है, तो फिर इंसान दो दो ज़िंदगियाँ जीता है, एक बनावटी ज़िंदगी और एक अंदर की ज़िंदगी। अल्लाह महफूज रखे इन दो चेहरों वाली ज़िंदगियों से। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम करे, हम सब को अच्छा और पक्का मुसलमान बनाए कि जब अपने रब से मिलें तो हमारा रब राज़ी हो और खुश हो। अल्लाह हमारे हालों पे रहम करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।